अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त सारे अच्छे होंगे। इस वक्त मैं रोहतक से कराची के लिए आदिल शाह की यूटोंग नोवा में ट्रेवल कर रहा हूँ। और रोहतक से हम तकरीबन 6 बजे निकले थे और मोटरवे पर हम 8 बजे एंटर हुए और 9:15 बजे करीब हमने खाने के लिए स्टॉप किया तकरीबन 35 मिनट का। उसके बाद हम दोबारा मोटरवे पर अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं। बहुत सारे दोस्तों के जहन में सवाल पैदा होगा कि आप हमेशा इसमें ही क्यों ट्रेवल करते हैं। रोहतक से और भी गाड़ियाँ जाती हैं कराची के लिए, फैशन मूवर्स और दूसरी गाड़ियाँ, तो उनमें क्यों नहीं जाते हैं? तो पहली चीज़ तो ये है कि फैशन मूवर्स रोहतक से कराची के लिए काफ़ी टाइम ले लेती है। 6 बजे रोहतक से निकलते और तकरीबन सुबह 8 बजे के अराउंड कराची पहुँचती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी गाड़ी में जाऊँ जिसमें मेरा टाइम बचे। और रास्ते में उनके स्टॉप बहुत सारे होते हैं जबकि इनके इतने स्टॉप नहीं होते, इस वजह से मैं इसमें ट्रेवल करता हूँ। दूसरा, फैशन मूवर्स वाले बहुत नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं जबकि आदिल शाह की ड्राइविंग में मज़ा आता है ट्रेवल करने में, इस वजह से भी मैं इसमें ट्रेवल करता हूँ। किराए की बात करते चलें तो जब मैंने ट्रेवल किया था उस वक्त डीजल की प्राइस नहीं बढ़ी थी, 3,000 किराया था। और अभी डीजल की प्राइस बढ़ने के बाद भी किराया 3,000 ही है, इसके अंदर इजाफा नहीं किया गया। लेकिन शायद अब इजाफा हो जाए क्योंकि डीजल की प्राइस बढ़ना मज़ीद भी मुतवक्के है, तो हो सकता है किराया और बढ़े। जबकि दीगर कंपनियों ने अपना किराया बढ़ा दिया है। तो ये हमारी ट्रिप वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। लेफ्ट साइड पर एक खेतान मूवर्स की गाड़ी जा रही है जो कि वहोवा से कराची जाती है। वहोवा से इसका टाइम 3 बजे है, फिर उसके बाद डीजे खान से शायद 5 बजे या 6 बजे निकलती है, 6 बजे निकलती है। और अभी यहाँ मोटर वे पर हमें मिली है। रात के 11:12 हो रहे हैं। सामने लेफ्ट साइड पर आपको एक सर्विस एरिया नज़र आ रहा होगा, एक कुतुबुद्दीन शाह सर्विस एरिया है। अब मोटर वे पर अक्सर सर्विस एरियाज में पेट्रोल पंप भी हैं जहाँ से पेट्रोल भी मिलता है। पहले पेट्रोल पंप वगैरह बने नहीं थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे, इस वजह से मोटर वे पर पेट्रोल नहीं मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर पेट्रोल वगैरह भी मिलता है और ट्रक शॉप वगैरह तो मौजूद ही थी पहले भी और अब भी हैं, तो काफ़ी रौनक मेला यहाँ पर। Thank you.
Thank you.
ज़्यादा एक्सप्रेस के ड्राइवर ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर दोबारा आदिल शाह और शहज़ादा एक्सप्रेस बराबर हो गए। सामने ही जा रही है शहज़ादा एक्सप्रेस की जोंग टोंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्रिप। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के अंदर आपने काफ़ी अच्छी ड्राइविंग देखी होगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।